दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग टीचर भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि अगर आप लोगों ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और आप लोग भी शाहजहांपुर बरेली पीलीभीत बदायूं एटा के डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो आप लोग भी माध्यमिक शिक्षा विभाग टीचर भर्ती 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी माध्यमिक शिक्षा टीचर विभाग 2024 के अंतर्गत आसानी से आवेदन को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में टीचर भर्ती रिक्वायरमेंट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्टली गूगल पर आना होगा। गूगल पे आपको डायरेक्टली टाइप करना है सेवा योजन। जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे सेवा योजन तो आपको पहले नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, rozgarsangam.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा विभाग में भर्ती आई है जिसकी लास्ट डेट 29 तारीख है। तो अगर आप लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके पास रोजगार संगम का रजिस्ट्रेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप लोगों को आना होगा प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी रोजगार संगम की तरफ से संविदा भर्ती यहां पर आती है उन सारी वैकेंसी की डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जैसा कि पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा स्पेशल एजुकेटर और यहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग आपको देखने को मिला है जिसकी अंतिम तिथि यहां पर 29/3/2024 है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल यहां पे शाहजहांपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको बदायूं के लिए डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। शाहजहांपुर में कुल आवेदन 12 हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं बदायूं में कुल आवेदन यहां पर अभी तक 10 हुए हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर पीलीभीत के लिए भी भर्ती देखने को मिलेगी जिसमें टोटल आवेदन यहां पर 11 किए गए हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बरेली जिले में टोटल आवेदन अभी तक 17 किए गए हैं। आप लोग इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आप लोग को बता दें कि आप लोग अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन और उसके रिक्त वितरण का पूरा पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगी कि आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 29/3/2024 रखी गई है, लेकिन ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 13/3/2024 से। लेकिन आप लोगों को बता दें ये फॉर्म 13 से स्टार्ट नहीं हुए थे, इसका नोटिस जारी हुआ था 13 से, लेकिन इसकी जो डेट है वो यहाँ पर 22 तारीख से स्टार्ट किए गए थे। तो अभी यहाँ पर केवल दो दिन में यहाँ पर 17 फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन लास्ट डेट यहाँ पर 29/3/2024 रखी गई है। यहाँ पर देखिएगा कि संस्था और कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपनी पद देखने को मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पर विभाग का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद कुल यहाँ पर रिक्त पदियां आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि देख सकते हैं अनिवार्य योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एजुकेशन से, और यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्य का वितरण है स्पेशल एजुकेटर, और यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो वेतन है वो 10,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो प्रति माह वेतन है वो यहाँ पर 19,000 रुपए आपको मिलने वाला है। बात करेंगे आयु के बारे में तो अगर आप लोग कि जो उम्र है वो यहाँ पर 21 से 45 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आपके पास किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये राज्य देखिएगा उत्तर प्रदेश में जिला बरेली के स्तर पर ये वैकेंसी ओपन है। इसके अलावा आप लोग बरेली पीलीभीत बदायूं शाहजहांपुर इन चार डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप लोग भी इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर अन्य वितरण भी आपको देखना जरूरी है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं 50% मार्क उनके साथ विद
यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ये दो सब्जेक्ट के साथ ही साथ आपके पास इनमें से दो सब्जेक्ट और होना चाहिए, जैसा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन। इनमें से अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 8 ग्रुप में आपके पास हिंदी और इंग्लिश का होना अनिवार्य है। ये एक आपके पास एक हिंदी हो या फिर एक इंग्लिश हो, इसके अलावा इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग बीएससी यानी साइंस के स्टूडेंट है तो आप लोग देख सकते हैं साइंस में आपके टोटल मार्क्स 50% होने चाहिए। साथ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए केवल आपके पास सेवा योजन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। सेवा योजन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। और वो वीडियो देखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर आवेदन करे पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। ये यूजर आईडी पासवर्ड वही मांगा जा रहा है जो आपके सेवा योजन आईडी में हो। आपको यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग अपना सेवा योजन कार्यालय के पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन इन्फो में आकर वहां पर आपको अपना आवेदन वितरण पे क्लिक करके आप अपने आवेदन की डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिन्होंने अभी तक सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और किया है तो वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।